समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी के स्वामी लगातार बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। अब इन्होंने एमपी छतरपुर में आरएसएस और बीजेपी पर अटैक किया है। दरअसल मौका था ओबीसी सभा को संबोधित करने का, लेकिन निशाना बीजेपी और संघ पर था। विवादित बयान देने में माहिर स्वामी प्रसाद कभी राम पर वार करते हैं तो कभी ब्राह्मणों को भला बुरा कहते हैं। अब की बार इन्होंने संघ और बीजेपी को ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लेकर हमला किया, जिस पर बीजेपी भी हमलावर हुई है। विपक्षी गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी जनाधार जुटाने की कोशिश में लगी है। 24 से पहले जातिवादी जाल बिछा रही है और उस मुद्दे को हवा दे रहे हैं, जिससे ओबीसी समीकरण को साधा जा सके, पाले में लाया जा सके। और इस प्लानिंग पर काम कर रहे हैं विवादों के स्वामी, जो हिंदुत्व से लेकर मठ मंदिर तक पर चोट कर चुके हैं। उसी समाजवादी पार्टी के स्वामी मौर्य ने इस बार बीजेपी के साथ ही आरएसएस को लेकर सियासी बयानबाजी की है। स्वामी मौर्य ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस का आचरण संविधान विरोधी है, कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस एंड कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा खतरनाक है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को लूटते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अपने देश यूनाइटेड किंगडम से प्रेम करते थे, यहां से पैसा ले जाते थे, अपने देश के बैंक में डालते थे। लेकिन मोदी आरएसएस एंड कंपनी देश को लूटकर देश की जनता को कंगाल बना रही है, तो ये तो देश के भी दुश्मन है और देश की जनता की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत किए जाने की संभावना के मुद्दे को लेकर स्वामी मौर्य ने बीजेपी पर निशाना साधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोगों का अचानक भारत से प्रेम कैसे जागा। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य मध्य प्रदेश के छतरपुर में ओबीसी महासभा की ओर से आयोजित की गई सामाजिक परिवर्तन और विशाल आम सभा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है, जिस पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मैं किसी का नाम लेकर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये देश के बारे में या हिंदुत्व के बारे में, सनातन के बारे में टिप्पणी करने वाले लोग अपने गरिमान में झांक करके देखें। मुझे लगता है कि जब समय आएगा तो देश की जनता इनको देख रही है और सबक सिखाने का काम करेगी। स्वामी मौर्य यही नहीं रुके, महोबा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आरक्षण का भी मुद्दा उठाया और केंद्र के साथ ही राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। भारतीय संविधान की कसम खा करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने वाली डबल इंजन की सरकार अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण का को भी खत्म कर रही है, निष्प्रभावी और शून्य करती जा रही है। इस तरीके से इनके पाप का घड़ा भर गया है, इनकी उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है। यानी स्वामी मौर्य भले ही भारत और इंडिया का मुद्दा उठा रहे हो, लेकिन उसके पीछे का मकसद कुछ और ही है। क्योंकि जिस तरह समाजवादी पार्टी 24 से पहले जाति वोट बैंक की गोलबंदी कर रही है, उससे तो साफ है कि स्वामी मौर्य को कुछ भी बोलने की पूरी छूट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।